खबर है मिर्जापुर से। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के कार्य योजना के तहत जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल के आदेशानुसार थर्ड जेंडर विधिक संरक्षता सहायक जागरूकता शिविर शुभारंभ अपर जनपद न्यायाधीश सचिव DLSA विनय आर्य ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जनपद न्यायाधीश विनय आर्य के उपस्थिति थर्ड जेंडर राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर, अंशिका किन्नर, जूली एवं मुस्कान किन्नर एवं अन्य को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में थर्ड जेंडर किन्नर के उत्थान एवं उनको समाज में सम्मान देने के लिए कानून बनाए गए हैं। समाज में किसी भी किन्नर को पीड़ित नहीं किया जाएगा, उनको शिक्षा स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यदि किसी भी किन्नर को कोई विधिक परेशानी होती है या किसी के द्वारा अपमानित किया जाता है अथवा पीड़ित किया जाता है तो वह अपनी समस्या लिखित तौर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर लाभ प्रदान कर सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि किन्नर को पैरालीगल वॉलंटियर्स बनाए जाने का प्राविधान सालसा द्वारा बनाया गया है। यदि कोई किन्नर पैरालीगल वॉलंटियर्स बनना चाहता है तो वह अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के कार्यालय में देकर बन सकता है। समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप जनता से मिले हैं, ट्रांसजेंडरों की कुछ समस्या को लेकर क्या? देखिए, जो कानून के अंतर्गत जो ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय आते हैं, जो हाईकोर्ट ने 2 साल पहले जो आदेश किया था DLSA का कि ट्रांसजेंडर को जो समस्या है, जो उनकी पीड़ा है, उसको समझने की कोशिश करें, अपने आप को ट्रांसजेंडर कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता कोर्ट के अंदर। मेल के लिए DLSA है, अलग अलग जातियों के लिए DLSA कोर्ट है, महिलाओं के लिए कोर्ट है, मगर ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग कोर्ट नहीं है, कोई एक जज नहीं है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने एक DLSA को जिम्मेदारी दी है। तो वही आज हम लोगों के बारे में, क्या हम अपराधी के रूप में भी देखे जाते हैं, क्या हम हमारे समाज में भी अपराधी होते हैं या नहीं होते हैं? हमारा अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई समुदाय नहीं होता, ये चीजें हैं। तो आज हम लोगों की यही जज साहब से आज हमारी यही बात हुई है, हम लोगों ने अपनी समस्या को बताया है। जिले में जो भी किन्नर की कंप्लेन दर्ज थाने में नहीं होती है, वो डायरेक्ट DLSA पहुंच के अपनी बातों को बताए, अपनी समस्या को बताए, उस समस्याओं का समाधान होगा। अगर जो समस्या का समाधान नहीं होता, उसका निदान नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग आगे भी इसको प्रयास करेंगे, हाई कोर्ट जाने का प्रयास करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास करेंगे, कि जिससे किन्नरों का भी कोई एक अस्तित्व कोर्ट के अंदर बने, कि इतनी समस्या हो जाती है, अपराध हो जाते होने के बाद किन्नर कोर्ट नहीं जाते, डेट पर नहीं जाते, तारीख पर नहीं जाते, तो ये कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तभी तो नहीं जा रहे हैं। DLSA नहीं पहुंच पा रहे, कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, कितने किन्नरों को तो वारंट आ गए, क्यों नहीं जागरूक हो पा रहे हम किन्नर समुदाय से? मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप DLSA में आए, अपनी बातों को बताएं, जहां जहां आपके कोई जमीन को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर आपका विवाद चल रहा हो, कोर्ट में पेश हो, कोर्ट में पेश होकर आप अपने आप को बताएं कि हम किसी से अलग नहीं है। जी, अलग में अभी मजुआ में चुनाव है, तो क्या इसमें आपकी सहभागिता रहेगी? देखिए, ये हम तो नहीं कह सकते, मगर हम ये बात जरूर कहते हैं कि जो उपचुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में हमारी भागीदारी और हमारे समुदाय की जरूर रहेगी। और हम लोगों ने मन बनाया है कि मझुआ जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसमें हमारी भागीदारी पूरी रहेगी। जी, अपना परिचय भी बताएं। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स के साथ एक मीटिंग करी थी, कॉन्फ्रेंस करी थी तरीके से, जहां पर इनकी समस्याएं और उनको सुना है और समझने का प्रयास किया गया है, और जो कुछ भी इनके साथ अगर दुर्व्यवहार कहीं से होता है उसके संबंध में
क्या कर सकते हैं, अगर नहीं उनको कुछ सहायता मिलती है तो उसके लिए वो हमारे पास आ सकते हैं, इनके उनको जागरूक किया गया है। और इसके अलावा हम लोग ये चाहेंगे कि कभी भी इनको कोई समस्या आती है, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए है या कोई भी अगर व्यक्तिगत समस्या आती है, तो वो DLSA का ऑफिस अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ये निर्देश हमको सहरसा से मिला है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से, जिसके तत्वावधान में हम लोगों ने ये आज कार्यक्रम आयोजित किया था।